स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम बताओ क्या है। एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। एलिमेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एलिमेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे सीएस को लेकर, सीएस के लॉ को लेकर। लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर का हम रिविजन कर रहे हैं बच्चा। ये चैप्टर बोलता है हम आपको सीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, जैसे कि किस बॉडी ने बनाया है, सीएस का काम क्या होता है, कितना वर्सेटाइल वो होता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको बताया गया है हमारा एक इंस्टीट्यूट है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICSR। फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ बच्चा? न्यू दिल्ली। लेकिन बच्चा अब न्यू दिल्ली में बैठे हो पूरे इंडिया के सीएस को तो बच्चा संभाल नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया है बच्चा, अपने अलग अलग रीजन, रीजन मतलब अपने अलग अलग एरियाज में रीजनल ऑफिसेस बनाए। टोटल कितने रीजनल ऑफिसेस बनाए बच्चा? चार। सबसे पहला बनाया है EIRC, फुल फॉर्म क्या है? ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल। दूसरा बनाया है NIRC, नॉर्थन इंडिया रीजनल काउंसिल। ऐसे ही बच्चा साउथ, ऐसे ही अपना वेस्ट है। तो उन्होंने कहा बच्चा पूरे जितने भी ईस्टर्न एरिया के हैं वो रीजनल ऑफिस हमने ईस्ट में एक ऑफिस बना दिया, जैसे पूरे इंडिया में एक हेड ऑफिस बना दिया। तो ईस्ट रीजन में क्या हेड ऑफिस बनाया बच्चा? कोलकाता। नॉर्थ में क्या बना दिया? न्यू दिल्ली। साउथ में क्या बना दिया? चेन्नई। वेस्ट में क्या बना दिया? मुंबई, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रीजन बना दिए, ठीक है। इंडिया को उन्होंने चार चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। रीजन उनके जितने भी स्टेट है वो वहां पर रिपोर्ट करेंगे, लेकिन मेन हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चा? न्यू दिल्ली। मतलब न्यू दिल्ली में एक मेन हेड ऑफिस भी है और दूसरा बच्चा नॉर्थ का भी एक और ऑफिस है, रीजनल ऑफिस। क्या ये बात समझ में आई? चलिए बच्चा 72 चैप्टर ऑफिस है। अब ये चैप्टर ऑफिस क्या है? जो बच्चे अभी सेमिनार में गए थे तो बच्चा भोपाल चैप्टर आया था। कौन सा चैप्टर आया था बच्चा? भोपाल चैप्टर। तो बच्चा हमारे आसपास के चैप्टर ऑफिसर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल पूरी इंडिया में एक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चार अलग रीजनल ऑफिस। लेकिन बच्चा रीजनल ऑफिस वहां के स्टेट्स स्टेट्स की बात करता है ना, जैसे चार पांच स्टेट एक रीजन में जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा भैया हर स्टेट में भी तो बहुत सारे सीएस हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने छोटे छोटे ऑफिस ब्रांचेस टाइप के खोल दिए। तो टोटल अभी सीएस हमारे ICSI ने कितने चैप्टर ऑफिस खोले? 72। जो वो सेमिनार हो रहा था उस सेमिनार में आपको यही बताया जा रहा था कि जल्द जबलपुर में भी एक चैप्टर ऑफिस खुलेगा। तो एक्चुअली में उनकी प्लानिंग है, ठीक है। एक एक कंडीशन होती है, एक दो कंडीशन होती है, वो कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके वो चैप्टर ऑफिस खुलता है। तो इंस्टीट्यूट ट्राई कर रहा है कि भैया ये जबलपुर में भी ओपन हो जाए, क्लियर है। चल तो अब भोपाल और इंदौर हमें थोड़ा सा पास पड़ता है। तो सीएस की कोई भी तुम्हें क्वेरीज होती है, स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत होती है, तो हम भोपाल या फिर इंदौर चैप्टर ऑफिस में ही कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक। अच्छा लेकिन कितने पूरे ऑल ओवर इंडिया में? 72। चलिए बच्चा पुराना डेटा था कि 50 थे, आज की डेट में बच्चा 65,000, ठीक है। एक जमाने में 50 वर्क करते थे बच्चा, बढ़ते जाएंगे ना सीएस। टोटल मेंबर इस इंस्टीट्यूट के, टोटल मेंबर कितने मेंबर से मतलब क्या है बच्चा? सीएस जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का मैं मेंबर हूं बच्चा, उस इंस्टीट्यूट का मैं क्या हूं बच्चा? मेंबर हूं। तो बच्चा टोटल मेंबर कितने हैं, या फिर उनका मतलब है टोटल सीएस कितने? अप्रोक्स 65,000। हमेशा अप्रोक्स बोला जाता है, हमेशा अप्रोक्स बोला जाता है। क्यों अप्रोक्स बोला जाता है बच्चा? क्योंकि कोई भी अभी है ना लिमिट चेंज होती रहती है। दो मिनट बच्चा, है ना ये माइक ही सही नहीं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब अगर ब्रेक होती है तो मैं चेंज कर लूंगी, ठीक। चलिए वापस। तो बच्चा होता क्या है, बच्चे पास होते जाएंगे ना तो सीएस बनते जाएंगे, तो ये अभी अप्रोक्स डेट होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। चलिए बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन इस पैटर्न का आता है। फॉर एग्जाम्पल ICSI का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या ये बात समझ में आई? देन ICSI के फोर रीजन है, कौन से फोर रीजन है? न्यू दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। तो कौन सा वाला है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए बच्चा फिर आपकी बुक में आएंगे, आपके नोट्स में आएंगे, अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था। आपका जो इंस्टीट्यूट है ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, ये एक रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी है बच्चा, जो हमारी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। इसका एक कानून बनाया है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट बनाया है 1980। जो मैंने कल आपको एक बुक दिखाई थी ना बच्चा, वो ही एक्ट था, ठीक है। वो पूरा का पूरा एक्ट आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसकी बस इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही, ठीक है बच्चा। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स
इसे क्या करता है बच्चा, डील करता है, उन्हीं के अंदर में आता है। हमारा इंस्टीट्यूट बच्चा इन्हीं के अंदर में आता है, इसी मिनिस्ट्री ने इस इंस्टीट्यूट को बनाया है। पर एक बात बता दूं, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये कंपनी का फॉर्म है। आपका जो इंस्टीट्यूट है ये क्या बच्चा, एक कंपनी है, एक कंपनी। लेकिन इस कंपनी को बनाने वाला कौन है बच्चा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मतलब क्या मैं इंडियन गवर्नमेंट बोल सकती हूँ बच्चा, इंडियन गवर्नमेंट बोल सकती हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बनाया है, और इस कंपनी को बोला भैया आपको सारे कॉर्पोरेट अफेयर देखने, ठीक है। चलिए तो बच्चा यहाँ पे ये लिखा है आईसीएसआई कॉन्ट्रीब्यूट। आईसीएसआई किसको कॉन्ट्रीब्यूट करता है बच्चा, हमारी सरकार को, ताकि वो क्या कर सके, इकोनॉमी को ग्रो कर सके। हमारे देश की इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी ना जब बच्चा हमारे देश की कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्लियर बच्चा? तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमारी इस बॉडी को बनाया, उस बॉडी का नाम, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आईसीएसआई। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, ऐसे ही सीए का इंस्टीट्यूट है, ऐसे ही बच्चा आईसीडब्ल्यूएआई। अब डब्ल्यू बदल चुके हैं, सुना है क्या इसका नाम, सीए का सुना है, सीएस का सुना है, डब्ल्यू चेंज हो गया, इसको एम कर दिया। सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी, सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे ही बच्चा सीएमए होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो वो भी एक बॉडी है। इन तीनों बॉडी को अगर मैं बोलूं तो ये तीनों की तीनों बॉडी एक कंपनी है। इन तीनों बॉडी को किसने बनाया बच्चा, किसने बनाया बच्चा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक्चुअल में इन तीनों बॉडी को इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है अलग अलग एरिया के लिए, ठीक। चलिए बढ़िया आगे। अब हमारे हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका विजन क्या है, विजन मतलब लॉन्ग टर्म, विजन मतलब लॉन्ग टर्म। वो लॉन्ग टर्म में क्या बनाना चाहते हैं बच्चा, हमारा इंस्टीट्यूट लॉन्ग टर्म में बनना चाहता है ग्लोबल लीडर, मतलब वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड लेवल में बच्चा। सीएस बस इंडिया में नहीं, सीएस बस इंडिया में नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारी कंट्रीज के साथ टाइप कर रखा है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ टाइप कर रखा है कि भैया इंडिया में जो सीएस बनेगा ना उसको वही प्रोफेशन, वही पोजीशन कहाँ मिल जाएगी बच्चा, उस कंट्रीज में, जिस कंट्रीज के साथ हमारी इंडिया ने क्या कर रखा है बच्चा, टाइप कर रखा है। तो हमारा इंस्टीट्यूट आए दिन टाइप करता रहता है, नए नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जिसके साथ किया, जिसके साथ किया, हमें एमओयू साइन किया। एमओयू साइन के मतलब क्या किया बच्चा, अग्रीमेंट साइन किया कि हमारे यहाँ का जो सीएस क्वालिफाइड है वो आपके देश में, आपकी कंट्री में सेम उसकी इसी पढ़ाई के बेसिस में उसको आप उसको एडॉप्ट कर लोगे। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन क्या है, मिशन क्या है, हाई कैलिबर। विजन होता है लॉन्ग टर्म और मिशन क्या होता है शॉर्ट टर्म, छोटी छोटी चीजें अचीव करना। तो उनका हाई कैलिबर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कौन बच्चा, सीएस। अगर हम ये इंस्टीट्यूट अगर हाई कैलिबर सीएस बनाएगा तो ऑटोमेटिक हम इस विजन को, इस विजन को पालेंगे। और हमारा मोटो क्या है, स्पीक ट्रूथ और अबाइड बाय लॉ, हमेशा सच बोलना और लॉ को फॉलो करना। क्या ये बात समझ में आई, चलिए। तो ये बुक में दे रखा है बच्चा, बस मैंने इसको अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ बताया। क्लियर बच्चा, चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है बच्चा, फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। मिशन पूछा है, मिशन क्या था, हाई कैलिबर, हाई कैलिबर प्रोफेशनल मतलब सीएस, पक्का। एक बार मैं अच्छे से मिशन दिखा देती तुम लोग को, है ना। मिशन था हमारा, यहाँ पे दिखाती हूँ ना, थोड़ा ये बड़ा बड़ा दिख रहा है बच्चा, मिशन घूर घूर के देख लो। ये हमारा मिशन है, हाई कैलिबर प्रोफेशनल, किसमें, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये लिखा है। अब ढूंढो, अब ढूंढो, ए कौन बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, अच्छा डी बोल रहे, डी के अलावा कोई और कुछ कह रहा है क्या, नहीं पक्का। फर्स्ट में क्या कमी है, कमी बताओ, हाई कैलिबर प्रोफेशनल लेकिन गुड लिखा है क्या, गुड लिखना भूल गए, ये नहीं है। बी में क्या कमी है, हाई कैलिबर प्रोफेशनल, ठीक है, गुड गवर्नेंस लिखा क्या। सी में क्या नहीं लिखा, हाई नहीं लिखा भैया, कुछ ना कुछ खा गए, हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बात समझ में बच्चा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझ सब लिया, लेकिन अगर वर्ड्स इधर का उधर हो गए तो एग्जाम में टाइम टाइम फिस हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजन, विजन दिखाओ एक बार, विजन अच्छे से याद है, हम चाहते थे ग्लोबल। फर्स्ट में क्या कमी है ये बताओ, ग्लोबल सही है, लीडर लेकिन किसमें, कॉर्पोरेट खा गए। बी में क्या लिखा है, ग्लोबल लीडर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो बी इज द करेक्ट
क्लियर है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट बच्चा, सीएस बनने के लिए क्या क्या कोर वैल्यूज होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। बच्चा आपकी क्वालिटी सी बात हो रही है, इन्होंने कहा सबसे पहले इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब ऑनेस्टी होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, आप चीजों को अच्छे तरीके से डील कर सके। आप जब किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो भैया अलग अलग टाइप के लोग से आपको डील करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको उन सारे लोगों से डील करते बनना चाहिए। पहला क्या बच्चा, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। दूसरा क्या लिखा है, एथिक्स, एथिक्स मतलब क्या होता है, बिहेवियर टू डील। रिलायबिलिटी मतलब भरोसे, आपकी बात हो रही है, क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा आपका जो एक्ट, आपका जो कानून है, उसमें साफ साफ लिखा है सीएस ने अगर इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो आप पे भारी भरकम लगेगी, पेनल्टी चार्जेस लगते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो ये आपके पूरे कानून में लिखा है, लेकिन इतनी डिटेल अभी यहाँ पे नहीं बताई, अभी आपको बेसिक चीजें धीरे धीरे पढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए ओनरशिप क्या लिखा है, ओनरशिप कम विद दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चा ओनरशिप मिलेगी तो भैया कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। बींग अ स्टेक होल्डर सेंट्रिक, सीएस क्या है बच्चा, इंस्टीट्यूट का मेंबर है तो उसे कभी भी चीटिंग नहीं करनी है इंस्टीट्यूट के खिलाफ, मतलब अपने क्लाइंट को सही रास्ते में लाओ, लॉ फॉलो करने को बोलो, नहीं कर रहा है तो कंप्लेन कर दो, अपने है ना गलत क्लाइंट का साथ मत देना, दोगे अरे पैसे मिलेंगे तो सब करेंगे, है ना, नहीं करना, ठीक। चलो तुम लोग पे भी बात आ सकती है इसलिए बस क्या है। चलिए तो एक सीएस में क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी, फिर क्या होना चाहिए, एथिक्स, फिर रिलायबिलिटी, फिर ओनरशिप, फिर बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। मैंने आपको बताया ये इंस्टीट्यूट क्या है बच्चा, कंपनी का फॉर्म है, ठीक है। इस कंपनी के मेंबर कौन है बच्चा, सीएस, तो हम मेंबर है तो ओनर भी ना, हम ओनर भी ना इस कंपनी के, ठीक है। तुम लोग अभी नहीं, तुम लोग बन जाओगे, ठीक है। तो ओनर आप बनेंगे तो ओनरशिप कम वे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सारी कंपनीज को लॉ फॉलो करवाना बच्चा, सारी कंपनीज को लॉ फॉलो करवाना, ये हमारा मेन काम है, ताकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका जो विजन है, विजन क्या था बच्चा, ग्लोबल लीडर बनना, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन क्या है बच्चा, हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स तैयार करना, ठीक है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स मतलब आप, तो इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट ट्राई करता है, सिलेबस बदलता रहता है कि भैया अब लॉ बदल गया है, अब नया लॉ पढ़ो ताकि हम हाई कैलिबर लोग बन सके, ठीक। चल बच्चा अब एक एक पॉइंट को उन्होंने डिटेल में बताया, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी। बच्चा अब होता क्या है ना, ये इंटीग्रिटी वर्ड आया कहां से, बचपन में कभी आपने पढ़ा होगा ये वर्ड यहां से आया है, तो इन्होंने यहां पे बताया। जनरली बच्चा लॉ के जितने भी टर्म्स है, जितने भी वर्ड्स है, ये आए हैं बच्चा लैटिन से। हिंदी लैंग्वेज समझते, इंग्लिश लैंग्वेज समझते, यही दो लैंग्वेज हम समझते, इसके अलावा हमें कुछ भी समझता नहीं है। तो बच्चा हिंदी का एक शब्द होता है, इंग्लिश का एक वर्ड होता है, ऐसे क्या बच्चा, रोम, रोम एक कंट्री है, उनकी एक लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज क्या बच्चा, लैटिन। इंडिया की लैंग्वेज जैसे हिंदी है, वहां की लैंग्वेज क्या बच्चा, लैटिन। तो एक्चुअली में बच्चा रोम की बहुत तारीफ करूंगी, रोम ने साइंस में भी, वो जो कंट्री है वो बहुत इंटेलिजेंट कंट्री थी, वहां के लोग भी, उन्होंने साइंस में भी बहुत सारी चीजें, साइंस में आप पढ़ते हो बच्चा, लेकिन वो इनिशिएट किसने करी थी बच्चा, रोम के लोगों ने करी थी, ठीक है। तो लॉ में भी वो बहुत आगे थे, साइंस में भी बहुत आगे थे बच्चा, और लॉ में भी बहुत आगे थे। तो वहां से बहुत सारी चीजें हमारी इंडिया ने सीखा है, हमारे पास इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर दी अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो बहुत सारी कंट्रीज ने रोम से बहुत कुछ सीखा है। तो उनकी उनकी लैंग्वेज थी लैटिन, लैटिन वर्ड। तो सबसे पहले जो ये इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो आया कहां से, इंटीग्रिटी वर्ड आया है लैटिन वर्ड से। लेकिन जो इंटीग्रिटी वर्ड है ना, वो तो एक इंग्लिश वर्ड है, इन्होंने कहा वो जो लैटिन वर्ड था वो क्या था बच्चा, इंटीजर। क्या था बच्चा, इंटीजर, जो इंटीजर वर्ड है, ठीक है। उस इंटीजर वर्ड का रोम में क्या मीनिंग था बच्चा, होल कंप्लीट। वापस लैटिन वर्ड इंटीग्रिटी है कि इंटीजर है, इंटीजर, इंटीग्रिटी का इंग्लिश है, इंटीग्रिटी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑनेस्टी। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके पास्ट में जाते हैं कि ये शब्द आया कहां से, ये शब्द एक लैटिन वर्ड से आया था, वो लैटिन वर्ड था इंटीजर, और उस इंटीजर का मीनिंग क्या था, होल और कंप्लीट। ये बात आपको याद रखनी, क्यों बच्चा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा वैसे आज के टाइम पे हम क्या समझते हैं इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब समझते हैं कंसिस्टेंट, हाई स्टैंडर्ड, कंपेनियन, डिपेंडेबिलिटी, ये पूरी लाइन, ऑनेस्टी, ओपननेस, ये सारी चीजें समझते, क्लियर है। ये भी याद करनी पड़ेगी, ये सारे वर्ड आपके लिए कि किसी भी वर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। दूसरा क्या बच्चा, एथिक्स में क्या बताया था कि आप सही तरीके से बिहेव करना, ठीक है, आप सही तरीके से
बच्चा डील कर सको। होता क्या है बच्चा, ये इथिक्स वर्ड भी कहां से आया बच्चा, ग्रीस एक कंट्री है, उनकी भी एक लैंग्वेज है, तो उन्होंने कहा भैया इसका भी इतिहास समझते हैं, ये ग्रीक वर्ड से आया, तो ग्रीक वर्ड क्या बच्चा, इथॉस। इथॉस का मतलब क्या बच्चा, मींस कैरेक्टर कस्टम, ठीक है। आज हम इथिक्स का मतलब समझते हैं भैया कि बिहेव करें, सही गलत का फैसला डिसाइड कर सके हम, बच्चा धीरे धीरे सीरियस बनते हैं। वैसे भी बचपन से अभी तक सही गलत रास्ता चुन पाते हो ना, ठीक है, जितना नॉलेज है उस बेसिस में सही गलत का रास्ता चुन पाते हो, लेकिन जब सीरियस बन जाओगे तो बहुत सही गलत दिखेगा ना। अभी मैंने आपको बोला कोई पैसा देगा तो भैया सब कर लेंगे हम, गलत काम भी कर लेंगे, तो बच्चा इन्होंने यही बोला बींग अ सीरियस, बींग अ सीरियस, आपको यही सीखना है क्या सही है क्या गलत है। तो एथिक्स मतलब चीजों से डील करना, सही चीजों से कैसे डील करना और गलत चीजों से कैसे डील करना, तो इतने सेंसेस डेवलप होना कि राइट और रॉन्ग डिसाइड कर सको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ा था, बींग स्टेक होल्डर सेंटरिंग, हम क्या बच्चा एक टीम है, आईसीएसआई की एक टीम है, हम मेंबर है उसके, तो बच्चा प्लीज ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी ये सारी चीजें रखना। फिर क्या बच्चा रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, कुछ नहीं उन्होंने बस ये बोल रखा है अपनी क्वालिटी इंक्लूड रखना, भरोसेमंद कंपनी आप पे भरोसा करिए, आपकी आपको सारी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है, तो भरोसा मत तोड़ना। ओनरशिप बच्चा कम विद दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लगे बच्चा, ये तो रिपीट है, बढ़िया आगे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, द वर्ड इंटीग्रिटी डिराइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड, क्या है इंटीजर, कौन सा बच्चा, स्पेलिंग देख लेना, बहुत चालाक है हमारा इंस्टीट्यूट, स्पेलिंग इधर उधर कर देगा, है ना, सेम सेम लगेगा तुम लोगों, प्रोनाउंस करोगे तो सेम ही लगेगा, ठीक है। चलिए 11 एथिक्स इथॉस, क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, सीएस होता कौन है, इन्होंने कहा दो एक्ट है, इन्होंने कहा दो एक्ट है, एक है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, दूसरा है कंपनीज एक्ट। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट क्योंकि हमारा एक्ट है, हमारा कानून है, इसमें सीएस की डेफिनेशन दे रखी है, इसमें सीएस की डेफिनेशन क्या दे रखी है, आईसीएसआई का जो मेंबर है वो सीएस है, आईसीएसआई का जो मेंबर है वो सीएस है। और कंपनी से क्या बोलता है, भैया हमसे मत पूछो, ऊपर एक्ट है, रेफर कर दिए, तो ये लिखा है बच्चा। आ दो सेक्शन, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1, पहले क्या बोलते बच्चा सेक्शन, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब सेक्शन, और जो ये एबीसीडी देंगे इनको बोलते हैं क्लॉजेस, इनको क्या बोलते हैं बच्चा, क्लॉजेस, क्या ये बात समझ में आ रही है। पहला बोलते हैं सेक्शन, 2 को क्या बोलेंगे बच्चा, सेक्शन, उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, सब सेक्शन। लॉ को रीड करना सिखा रही बच्चा, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आगे हम देखेंगे, पहला सेक्शन, दूसरा सब सेक्शन 1, तो क्या लिखा बच्चा, क्लॉज सी, सी क्लॉज। अब जैसे ए होगा तो क्लॉज ए, बी सी डी, क्या ये बात समझ में, पहले क्या बोलते बच्चा सेक्शन, दूसरे क्या बोलते हैं सब सेक्शन, फिर क्या बोलते हैं क्लॉजेस। अब जो क्लॉज हो ए बी सी डी ई है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, ये लॉ को रीड करना सीख रहे, ठीक है, लॉ को रीड करने का एक तरीका होता है, धीरे धीरे ये सीखते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट डे मैंने नहीं बताया आपको, क्यों, क्योंकि एकदम से बताऊंगी आपको ये क्या है दीदी, पहले आपको चीजें समझाई, अब धीरे धीरे मैं सेक्शंस भी आपको याद करवाऊंगी, ठीक। चलिए कंपनी सेक्रेटरी एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 बोलता है सीएस कौन है, सीएस मींस जो मेंबर है किसका, इंस्टीट्यूट का, खत्म, इंस्टीट्यूट का जो मेंबर है, ठीक है। चलिए कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 24 को क्या बोलेंगे, सब सेक्शन 24, वेरी गुड। कंपनी सेक्रेटरी बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी वो है जो कि रिफर कर रखा है, कहां रिफर कर रखा है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में क्लॉज सी में, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के, क्या ये बात समझ रहे, सीधी सिंपल बात, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, अकॉर्डिंग टू कंपनी सेक्रेटरी एक्ट आईसीएसआई का मेंबर है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सीएस कौन है, सीएस वो है जो इस एक्ट में डिफाइंड है, दैट्स इट, क्लियर है। चलिए बच्चा अब मैंने आपको बताया था सीएस की दो पोजीशन होती है, बच्चा दो पोजीशन होती है, एक होती है केएमपी की पोजीशन और दूसरी पोजीशन होती है होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की। बच्चा अभी तक हम समझते थे कि सीएस एक कंपनी में है ना, सीएस होता है, दैट्स इट, यही समझते थे, लेकिन बच्चा कंपनी को चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, कंपनी को चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिसे हम शॉर्टकट में केएमपी बोलते हैं। केएमपी का फुल फॉर्म की मतलब इंपॉर्टेंट, मैनेजर मतलब मैनेज करने वाले, पर्सनल मतलब स्टाफ, इंपॉर्टेंट लोग बच्चा, इंपॉर्टेंट स्टाफ जो कि कंपनी को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो ये कौन है इंपॉर्टेंट लोग, उनके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती, वो इंपॉर्टेंट लोग कौन है, वो इंपॉर्टेंट लोग है बच्चा सीईओ।
वो इंपॉर्टेंट लोग कौन है बच्चा? एमडी, सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कंपनी में होना ही चाहिए। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके बिना कंपनी चल जाएगी क्या? चले। होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर मतलब जो पूरा टाइम दे रहा है कंपनी को, इसके बिना कंपनी चल जाएगी क्या? बिना डायरेक्टर की कंपनी चलेगी क्या? नहीं। फिर क्या लिखा है? सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, सॉरी सी फाइनेंस ऑफिसर। पूरा फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये ऑफिसर है जो कि पूरा उनको सुपरवाइज करे। मैनेजर, ठीक है। और क्या लिखा है? सीएसबी की लोगों में आता है, इंपॉर्टेंट लोगों में आता है, उसके बिना कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि वो है जो क्या देख रहा है? कंपनी का लॉ देख रहा है, कंपनी का लॉ देख रहा है। क्लियर है बच्चा? और क्या लिखा है? एनी अदर। जैसे जैसे टाइम बदलेगा बच्चा, जैसे जैसे टाइम बदलेगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं भैया कंपनी में और भी इंपॉर्टेंट लोग होने चाहिए, तो वो एनी अदर ऑफिसर जिसको बोल दे हम वो भी इसे इंक्लूड कर लेंगे। तो क्या लिखा है? एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब। कौन प्रिस्क्राइब करेगा? हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने हमारी आईसीएसआई को बनाया ना, तो वही डिसाइड करेगी एनी अदर ऑफिसर, ठीक है। वापस की मैनेजर पर्सन, ये वो लोग है जिसके बिना हमारी कंपनी चल सकती नहीं है, ठीक है। तो ये कितने लोग होते हैं बच्चा टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोगों के नाम है। और साथ का क्या बोल दिया? अदर, जो वो बोले। कौन बोले? सरकार बोले, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, ठीक। पहला कौन है? सीईओ। दूसरा कौन है? एमडी। फिर क्या लिखा है? याद करने का तरीका एक बार मैंने बताया था, ठीक है। चलो याद करने का तरीका, पहले सीईओ याद रखना, सीएफओ याद रख लेना, ठीक है। फिर एमडी याद करना, होल टाइम डायरेक्टर, चार हो गए। और कौन बचा? मैनेजर और सीएस। और फिर क्या था? अदर, बाकी अदर था, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब करे, प्रिस्क्राइब करने वाली अथॉरिटी कौन है? सरकार। सरकार कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। शिवराज सिंह चौहान नहीं करेंगे, ठीक है। कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर किसमें आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, ठीक। चलिए, तो सीईओ और सीएफओ याद रखेंगे, एमडी और डब्ल्यूटीडी, एम मतलब मैनेजर, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और अदर जो सीजी डिसाइड करे। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं ये बोलूं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे आपको, जैसे कि टेस्ला कंपनी का बच्चा, टेस्ला कंपनी का सीईओ कौन है? तो ये सीईओ के बिना इनकी कंपनी चलेगी क्या? बच्चा रिलायंस कंपनी का, रिलायंस कंपनी का सीएस कौन है? सुधाकर। बच्चा रिलायंस कंपनी का एमडी कौन है? एमडी कौन है? मुकेश अंबानी। इनके बिना काम चलेगा क्या? टाटा कंपनी का बच्चा सीएफओ, टाटा कंपनी का सीएफओ कौन है बच्चा? बालाजी। बस मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, इन बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है ना। तो जो लोग ऐसे चलते फिरते बोल देते ना सीएस क्या करता है, कौन होता है, उनको ना हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, नहीं समझेंगे। उनको सीएस दिखते नहीं तो उनको लगता है कि सीएस करता क्या है ना। उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा चैप्टर दिखाने, ठीक है। तो छोड़ो उनको, चलो वापस आएंगे। सीएस, सीएस बच्चा, सीएस कौन होता है? वो की मैनेजर पर्सन का एक पार्ट होता है। एमडी के साथ, सीईओ के साथ, सीएफओ के साथ, इनके साथ सीए का नाम दिख रहा है आपको? कहीं भी नहीं है बच्चा, फिर की बात है बस, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है बच्चा? होल टाइम। इन्होंने कहा इंपॉर्टेंट तो है, उसके अलावा क्या होता है बच्चा? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी है ना, प्राइवेट कंपनीज में भी हो सकता है, एनी अदर कंपनीज में भी हो सकता है, आओ डिटेल में देखेंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई बच्चा। सेक्शन नंबर याद करना है, सेक्शन नंबर याद करना है, सेक्शन नंबर 203। कभी भी अगर आप बोलते हो ना सेक्शन नंबर 203, तो किस एक्ट का सेक्शन, किस एक्ट का सेक्शन? तो क्या है बच्चा? कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 203 बोलता है, विद रूल 8। प्लीज बच्चा ये भी याद रखना, रूल 8। एक तरफ एक्ट होता है, एक तरफ क्या होता है? रूल। एक्ट बोलता है क्या करना है, रूल्स बोलता है कैसे करना। बच्चा सेक्शन 203 बोलता है कि कुछ कंपनी है, कुछ कंपनी जिनको कंपल्सरी केएमपी को अपॉइंट करना है। अगर केएमपी को अपॉइंट नहीं किया तो क्या होगा बच्चा? पेनल्टी लगेगी, ठीक है। चलिए तो सेक्शन 203 का रूल 8 के साथ आप पढ़ना कि भैया होल टाइम केएमपी अपॉइंट करना है। केएमपी मतलब की मैनेजर पर्सन में कितने लोग थे? वो पूरे 7 लोग थे, 6 के नाम थे और 7वां सीजी जो डिसाइड करे, ठीक है। उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को केएमपी अपॉइंट करना है, हर लिस्टेड कंपनी को क्या अपॉइंट करना है? केएमपी। नहीं करेंगे तो पेनल्टी। इन्होंने कहा हर पब्लिक कंपनी जिसमें पैसा कितना लगा है, पेड अप कैपिटल कितना लगा है? 10 करोड़ या उससे ज्यादा।
कंपलसरी केएमपी अपॉइंट करना है। दीदी अगर पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 9 करोड़ है तो अब कंपलसरी तो नहीं है? हाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन उस कंपनी को लग रहा है कि नहीं केएमपी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो फिर वो क्या कर ले बच्चा, ऑप्शन है अपॉइंट कर सकते, कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि आपको करना ही करना है। किसको बोला बच्चा, जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ है उसे जा। अब इन्होंने कहा पहला जो दो पॉइंट थे, हर लिस्टेड कंपनी को क्या अपॉइंट करना है कंपलसरी केएमपी, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ को क्या अपॉइंट करना है केएमपी। लेकिन बच्चा इन्होंने कहा रूल 8A के साथ अगर पढ़ोगे, ये तो 8 था और ये क्या है 8A के साथ पढ़ेंगे, तो एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ या उससे ज्यादा, तो केएमपी अपॉइंट करने की बात नहीं हो रही है। क्या बोल रहे, होल टाइम सीएस, सॉरी सी पहले होल टाइम सीएस अपॉइंट करो। लेकिन लिस्टेड कंपनी में हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी केएमपी में, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है उसमें हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी केएमपी, बाकी प्राइवेट कंपनी में हम केएमपी तो नहीं है लेकिन हम क्या बच्चा सीएस, कंपलसरी अपॉइंट करना है। यहाँ पे भी पेनल्टी लगेगी और यहाँ पर भी, पक गई पूरी की पूरी खिचड़ी, साफ करते हैं। यहाँ पे केएमपी, यहाँ पर केएमपी, प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल, यहाँ पर होल टाइम सीएस, पेनल्टी हर केस में लगेगी अगर आपने नहीं अपॉइंट। इज दैट क्लियर? बुक में बच्चा ये मैंने आपको रीड करवा दिया था, ठीक है? तो कुछ नहीं, केएमपी है ना, केएमपी की डेफिनेशन देख लीजिए, सेक्शन 203 याद करना है, रूल 8 याद रखना है, रूल 8A याद रखना है, ठीक है? प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़, और यहाँ पे छुपा छुपा के आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है बच्चा, है ना, लिस्टेड कंपनी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़, क्या अपॉइंट करना है केएमपी। केएमपी में सीएस भी आता है, लेकिन क्या ओनली सीएस आता है, टीम है पूरी की पूरी 6 लोगों की, 6-7 लोगों की। बच्चा अब इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने कहा केएमपी में केएमपी कितने लोगों को अपॉइंट करना है, समझना, मैंने आपको कितनी लिस्ट बताई थी 6-7 लोगों की, ठीक है? इन्होंने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर, मैंने आपको बताया था और एंड का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर और लिखा है, अगर और लिखा है समझ लीजिए ए और ये बी लिखा है, तो दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, अगर बच्चा एंड लिखा है तो दोनों, दोनों ना चाहिए। इन्होंने लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर क्या लिखा है और, फिर क्या लिखा है सीईओ, फिर क्या लिखा है और, फिर क्या लिखा है मैनेजर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो समझ रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करूं पहला, फिर क्या लिखा है बच्चा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर क्या लिखा है बच्चा मैनेजर, इन सबके बीच में क्या लगा है बच्चा और, मतलब इन तीनों में से किसी एक को अपॉइंट करें। आपकी कंपनी में की मैनेजर पर्सन होना जरूरी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप इन तीनों में से किसी एक को भी अपॉइंट करेंगे ना तो भी चलेगा। इन तीनों में से मैंने एक को अपॉइंट कर लिया, बच्चा मुकेश अंबानी को मैंने एमडी अपॉइंट कर लिया, तो इन्होंने क्या बोला अब किसकी जरूरत नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जरूरत नहीं है, मैनेजर की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस वापस हम पढ़ रहे हैं, रिलायंस कंपनी में हमें अपॉइंट करना है, हमने एमडी को अपॉइंट कर लिया, इन्होंने और लिखा है, रिलायंस कंपनी कह रही नहीं मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ सबको, तो उसकी मर्जी, ज्यादा करना है तो उसकी मर्जी, लेकिन मिनिमम कितना अपॉइंट करना है, ये 3 लोग तो अपॉइंट करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या बोल दिया एमडी, हमने एमडी अपॉइंट कर लिया, दूसरा क्या लिखा है सीएस में ऑप्शन है क्या, करना ही पड़ेगा, फिर क्या लिखा है ऑप्शन है क्या, मतलब केएमपी में कितने लोग होते, 6-7 की टीम है, अगर आपको अपॉइंट करो तो पूरी की पूरी 6 लोगों को अपॉइंट करो, लेकिन लॉ बोलता है मिनिमम 3 लोगों को तो अपॉइंट करना है, उन 3 में सीएस कंपलसरी है, उन 3 में सीएफओ, सीएफओ का काम क्या है पूरा फाइनेंस देखना, सीएस का काम है लॉ देखने का और इसका काम है बच्चा फाइनेंस देखने का, इन दोनों को तो अपॉइंट करना है क्या बच्चा कंपलसरी। ऊपर उन्होंने दे दिया ऑप्शन ही ऑप्शन, इन्होंने कहा भैया एमडीओ अपॉइंट करो, नहीं करना चलो सीएफओ, सीईओ कर दो, सीईओ नहीं करना मैनेजर, इन तीनों में से किसी को अपॉइंट नहीं किया ना इन देयर एब्सेंस, इन तीनों में से किसी को अपॉइंट नहीं किया तो किसको करो होल टाइम डायरेक्टर, मतलब पहला जो पॉइंट है वो ऑप्शन ही ऑप्शन, किसी एक को अपॉइंट करना है, क्या ये बात समझ में आ रही है। सेकंड पॉइंट में ऑप्शन है, थर्ड पॉइंट में ऑप्शन है क्या, सीएफओ क्या है कंपलसरी, सीएस क्या है बच्चा कंपलसरी, इन्होंने कहा है ऊपर तो भैया जो आपको ठीक लगे, हमने कहा बस एमडी अपॉइंट करिए, तो 3 लोग ही होते हैं, टीम है 6-7 में से ये 3 लोग कंपलसरी है, ठीक है 2 तो फिक्स है लेकिन ये ऑप्शनल है, एमडी नहीं करना तो बच्चा आपके पास ऑप्शन है, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ऊपर 4 हो गए और ये 5-6, लेकिन इन 4 में से कोई एक अपॉइंट करना है, तो आपको समझ में आया कि इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, क्लियर है बच्चा, 4 में से कोई एक करना है, ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए, ठीक है। चलिए
फिर बच्चा मैंने आपको एक चीज बताई थी प्राइवेट कंपनी वाली जो बात थी है ना, ये 1 अप्रैल 2020 जब कोविड चल रहा था उस टाइम पर आई थी, ये बस डेटा है ठीक। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फटाफट रीड करो। कंपनी सेक्रेटरी इज़ द की मैनेजर पर्सन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक। चलिए अब बच्चा सीएस का इंस्टीट्यूट समझ में आ गया, हेडक्वार्टर समझ में आ गया, सीएस कौन होता है, इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है, ये समझ में आ गया। अब सीएस काम क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम सीएस क्या करता है, बोर्ड मतलब पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी तीन लोग तीन देखे कि एमडी, हमने ऊपर क्या था, एमडी सीईओ मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर, उसमें से कोई एक हम कह रहे नहीं यार हमें सब चाहिए, तो उनकी मर्जी, उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर रखते, उन्होंने 10-15 डायरेक्टर रख दिए, मर्जी है कंपनी की। कंपनी की क्यों मर्जी है, काम ज्यादा है तो क्या करेंगे, ज्यादा डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है, कंपनी को मैनेज करने वाला। तो भैया अगर उन्हें लग रहा है काम ज्यादा है तो ज्यादा डायरेक्टर, काम कम है तो भैया 2 डायरेक्टर 3 डायरेक्टर 4 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा, डिपेंड कंपनी की क्या कितनी नीड है ठीक। चलिए मान लो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 15 की टीम है, कितनी है बच्चा 15 की टीम है, इन पूरे 15 की टीम को हम साथ में बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदरवाइज सिंगल बोलते हैं डायरेक्टर, मैं हूं डायरेक्टर, हम सब मिलके क्या लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स ठीक। चलिए रिपोर्ट करता है सीएस किसको बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बच्चा सीएस का मेन काम क्या, लॉ को कंप्लाई करवाना, कानून जो भी बोलता है उसे कंपनी से फॉलो करवाना, यही मेन काम है। तो रिपोर्ट करेगा बोर्ड को, बताएगा कि मैंने क्या कर लिया बच्चा, कंप्लाइंस कर लिया, कंप्लाइंस मतलब लॉ को फॉलो करवा दिया है, ऑफ दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट मैंने फॉलो करवा दिया और इसका रूल भी, तो रिपोर्ट दे दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कंपनी के सारे लॉस उसे फॉलो करवा दिए, तो बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताओ। इन्होंने कहा इंश्योर करना, इंश्योर करना एप्लीकेबल क्या लिखा है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। अब है क्या हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट का विजन क्या है, ग्लोबल लीडर बनना, ग्लोबल वर्ल्ड लेवल में लीडर बनना विजन। मिशन क्या बच्चा, हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। तो ये कह रहा है कि भैया हमारे इंस्टीट्यूट ने एसएस लॉन्च कर रखे, एसएस मतलब क्या होता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटरियल मतलब कंपनी सेक्रेटरी को दिए जाने वाले स्टैंडर्ड, ताकि उसके काम और क्या हो जाए बच्चा, क्वालिटी वाइज इंप्रूव हो जाए। ये तो इस एक्ट को, कंपनीज एक्ट को तो फॉलो कर रहा है, उन्होंने कहा इंस्टीट्यूट जो आए दिन नए 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 स्टैंडर्ड्स देता जाएगा, सीएस का काम है कंपनी से वो भी फॉलो करवाने का। तो एट द एंड हम बस लॉ को कंप्लाई करवाते हैं, ये हमारा मेजर इंपॉर्टेंट काम है ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट फॉलो कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट करो। दूसरा क्या बच्चा, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स किसने इशू किए, हमारे इंस्टीट्यूट ने, ये स्टैंडर्ड्स क्या है और एक्स्ट्रा लॉज, स्टैंडर्ड क्या बच्चा और एक्स्ट्रा लॉ कंपनीज एक्ट के अलावा, तो ये भी इंश्योर करो कि कंपनी ने ये भी फॉलो कर लिया। और उन्होंने बोल दिया अदर, जहां कहीं भी लिखा है ना अदर प्रिस्क्राइब, मतलब ये प्रिस्क्राइब करा जाएगा, कहां प्रिस्क्राइब किया है, नीचे ही प्रिस्क्राइब कर रखा है, दे रखा है कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज। पहला पॉइंट क्या सेम है अभी जो बताया, दूसरा पॉइंट क्या सेम है, अब यहां इधर क्या लिखा था, अदर लिखा था, अदर लिखा था, अब यहां से थर्ड से टेंथ तक ये सब अदर ही है। सीएस का है कंपनीज एक्ट फॉलो करवाना, एक्स्ट्रा लॉ फॉलो करवाना, ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो हमारे इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, इसके अलावा अदर, अदर में ये 3 से लेकर पूरे 10 के पॉइंट है। फटाफट देखेंगे बच्चा, डायरेक्टर को क्या करना, गाइडेंस देना, डायरेक्टर को लॉ का एबीसीडी भी नहीं बनता, हमें लॉ को लेकर उसे क्या देना है, गाइडेंस कि भाई सुन कंपनी को कैसे चलाना है, लॉ को ध्यान में रखकर ठीक है। चलिए क्या करवाना बच्चा, मीटिंग करवाना, किसकी मीटिंग करवाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की छोटी छोटी कमिटीज बनती है, कमिटीज मतलब ग्रुप बनता है, फॉर एग्जांपल हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने 5 लोग का ग्रुप बना दिया और इनको एक स्पेसिफिक काम दे दिया, तुम्हारा 4 लोग का ग्रुप एक काम दे, तो कमिटीज होती है, किसकी कमिटीज होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है। सीएस का काम है उनका मीटिंग करवाना, बच्चा मीटिंग में डायरेक्टर क्या डिस्कस करेंगे, कंपनी को कैसे ग्रो करवाए ठीक है। तो सीएस का काम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको मीटिंग करनी चाहिए ताकि हमारी कंपनी और ग्रो करे। बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करवाना, कमिटी की करवाना, ये क्या लिखा है, मेंबर्स की भी, कंपनी में पैसा लगाया है, ओनर कौन है, मेंबर, उनकी भी मीटिंग कराओ, वो अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा रिप्लाई करने का, पैसा कहाँ लगाया है डायरेक्टर बताएगा, सीएस को ये गाइड करना है कि सुनो मेंबर्स की मीटिंग करवानी होती है, कब करवानी होती है, कैसे करवानी होती है, ये हम लॉ में पढ़ेंगे। एक टाइम होता है मीटिंग करवाने का, ऐसे नहीं कभी भी करवा दिया, रात में करवा दिया नहीं बच्चा, टाइम दे रखा है 9 से 6 बजे के बीच में करवाना है बच्चा। अब जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के बनते हैं मिनट्स, ये लीगल वर्ड है, मिनट्स मतलब क्या होता है, पूरे का पूरा रिकॉर्ड, पूरी की पूरी समरी जो भी मीटिंग में हुआ है,
कंपनी को अगर लोन भी पास करना है ना, लोन लेना है सॉरी, कंपनी को किसी बैंक से लोन लेना है तो भैया पूछना पड़ेगा किससे, मेंबर से। ये बात समझ में आ गई? मेंबर से कैसे पूछेंगे, मीटिंग करवा कर। ये कौन बताएगा? डायरेक्टर को नहीं पता? डायरेक्टर तो सीधा बैंक में पहुंच जाएगा कि मुझे 50 करोड़ का लोन दो। मुझे कितने करोड़ का लोन दो? 50 करोड़ का। तो भैया बैंक क्या बोलेगा, कंपनी में सीएस नहीं है क्या? सीएस ने नहीं बताया आपको कि पहले मेंबर से पूछो, और मेंबर से पूछने के लिए सीएस क्या कंडक्ट करवाएगा, जनरल मीटिंग। उसमें क्या करवाएगा, उन लोग से परमिशन लेगा। ऐसे एक्चुअल में वोटिंग करवाई जाती है, ऐसे शो ऑफ हैंड से। कितने लोग फेवर कर रहे हैं कि 50 करोड़ का लोन ले लें? कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे। मेंबर्स ने ना बोल दिया, डायरेक्टर लोन नहीं ले सकते बच्चा। ये बात कौन बताएगा? आप बताओगे डायरेक्टर को। क्या ये बात समझ में आई? पक्का पक्का? 2 मिनट बच्चे, बस रिजॉइन करवा लो। समझ में आ रहा है ना बच्चा? पास तो नहीं हो रहा एक्चुअली, क्या रिवीजन है ना उस हिसाब से, बस बस समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चा, मिनट्स मतलब क्या होता है, मीटिंग का पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जुपिटर किसकी है बच्चा? जुपिटर है, पहले तो ये बताओ, फिर नंबर अपन पूछेंगे। नहीं है ना किसी के, दूसरी वाली क्लास में एक बार पूछ लेना। चलिए बच्चा, मिनट समझ में आ गया ना? तो सीएस का काम क्या है, ये सारे अदर काम, सीएस के ये सारे काम भी है, ठीक है। अप्रूवल लेना, अभी मैंने पूछा बताया ना आपको कि क्या करना है, डायरेक्टर का लोन लेना तो किससे अप्रूवल लेनी होती है, मेंबर से, ठीक है। कुछ ऐसा काम होता है जिसे गवर्नमेंट से जाके लाइसेंस भी लेना होता है, तो ये सारे काम कौन करता है, सीएस करता है। तो सीएस क्या करता है, अप्रूवल्स लेता है, बोर्ड से भी लेता है, जनरल मीटिंग से भी लेता है, गवर्नमेंट से भी लेता है, और जो भी अदर अथॉरिटीज है, ठीक। चलिए, रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे रेगुलेटर्स। एक आध रेगुलेटर का एग्जाम्पल है आरबीआई। बैंक में भी सीएस है, बैंक में भी सीएस की जरूरत होती है, उन्हें भी बहुत सारे लॉस को अप्लाई करना, बैंक का एक अलग से लॉ होता है, ठीक है। चलिए, तो आरबीआई, आरबीआई के सामने बैंक को, फॉर एग्जाम्पल मैं एसबीआई बैंक का सीएस हूँ, तो आरबीआई कुछ चीजें पूछेगा बैंक से, तो मैं अपने एसबीआई बैंक को रिप्रेजेंट करूंगी। किसके पास बच्चा? आरबीआई के पास। असिस्ट करूंगी मतलब हेल्प करूंगी बोर्ड को, कंपनी को चलाने में, क्योंकि मैं क्या थी बच्चा, की मैनेजर पर्सन में आ रहे थे। असिस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे बोर्ड को, किसमें बच्चा? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अदर ड्यूटीज जो भी लिखा है एक्ट रूल्स में, आए दिन लॉ बदलता रहता है, अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम देते तो वो भी हमें करना है, या फिर बोर्ड हमें कोई ड्यूटी देता है हमें वो भी करना है। क्या ये बात समझ में आई? तो ऑल दीज आर ड्यूटीज। फिर बच्चा, मैंने आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि एक सीईओ होता है जो कि क्या करता है, जॉब। दूसरा सीईओ होता है जो कि करता है प्रैक्टिसिंग। सबके अपने फायदे नुकसान है। जॉब करने वाले की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो आपको एकदम हाई पोजिशन मिल रही है, सीधा डायरेक्टर के पास पहुंच रहे हो, है ना। तो अगर आप जैसे ही सीएस बनते हो और आप सोचते हो कि दीदी जॉब करनी है, तो हाई पोजीशन मिलेगी, हाई पोजीशन मिलेगी। आप कहोगे दीदी प्रैक्टिसिंग करनी है, तो खुद का सेटअप करना पड़ेगा, खुद का ऑफिस खोलना पड़ता है, जिसके लिए आपके कॉन्टैक्ट्स मिले। तो फर्स्ट डे से तो आपके कॉन्टैक्ट्स होते नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते। लेकिन जॉब करने वाला अपनी नौकरी स्विच कर करके क्या करता है बच्चा, अपने आप का इंक्रीमेंट करता है। लेकिन हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। प्रैक्टिसिंग वाला अभी तो स्टार्टिंग में बच्चा नीचे होता है, लेकिन धीरे धीरे अपने क्या करेगा बच्चा, कस्टमर्स बढ़ाएगा, क्लाइंट्स बढ़ाएगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो भी हाई आ जाएगा। तो हर चीज के फायदे नुकसान। अगर सीएस क्या कर रहा है बच्चा, जॉब कर रहा है। अगर सीएस क्या कर रहा है, जॉब, तो फायदा क्या है, जॉब करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। फायदा क्या है बच्चा, हाई पोस्ट मिलेगी। फायदा क्या है, रिस्क उसका बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क किसका, कंपनी का है बच्चा। क्या वो कोई पैसा लगाता है? अगर मैं खुद का ऑफिस खोल रही हूं, मैं अगर खुद का ऑफिस खोल रही हूँ, जॉब नहीं कर रही, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, एक ऑफिस सेटअप करूंगी, जमीन लूंगी, बिल्डिंग बनाऊंगी, या फिर रेंट से लूंगी, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन कहीं जॉब कर रही हूं तो इन्वेस्टमेंट किसका, कंपनी का, डायरेक्टर का, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जॉब करने का नुकसान है। नुकसान क्या है, इनकम स्टेबल हो जाती है। आज कंपनी 10 करोड़ कमा रही है, लेकिन कल को 100 करोड़ कमाएगी। लेकिन बच्चा आप सीएसओ, आज वो तुमको 1 करोड़ दे रहे, लेकिन जब वो 100 करोड़ कमाएगी, तो बच्चा आपको क्या लगता है, जिस प्रोपोर्शन में कंपनी बढ़ रही है, उतने ही प्रोपोर्शन में आप भी बढ़ जाते हो? नहीं, कंपनी आपसे 1 करोड़ अगर दे रही है, तो आपसे 100 करोड़ का काम करवाती है। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, अपनी फर्म खोली, तो 100 करोड़ का आप काम कर रहे हो ना, 100 करोड़ किसके हैं, आपके। क्या ये बात समझ में आ रही है? हर चीज के फायदे नुकसान। तो पहले तो हाई पोजीशन तो मिल जाएगी, लेकिन कंपनी आपको देगी कम, कमाएगी खुद ज्यादा। खुद का ऑफिस होगा तो आप ही कमा रहे हो। चलो, नुकसान क्या बच्चा, कंपनी क्या कर लेती है,
बाय नहीं कर लेती, अग्रीमेंट कर लेती है। खुद का बिजनेस है तो कोई अग्रीमेंट है क्या? आपका है, दिन रात एक करके आप अपना काम करते हो। क्या लिखा है? स्पेशलाइज नहीं होते, कंपनी में बैठे आप सारे काम करते हो। अभी मैंने आपको बताया, मीटिंग भी आपको करवानी, अप्रूवल भी आपको लेना, सब आपको करना है। लेकिन जब आप खुद का बिजनेस खोलते हो तो आप बच्चा काम बांट लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पार्टनरशिप हम खोल रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि भैया सुनो, मैं बस गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने का काम करूंगी, तुम एक काम करना मीटिंग मीटिंग करवाने का काम। तो सबके काम हम डिवाइड कर लेते हो, कहीं ना कहीं जो एक ही चीज को बार बार करते हो वो स्पेशलाइज हो जाता है। लेकिन कंपनी में सारे काम आप ही करते हो तो आप स्पेशलाइज नहीं होते। अगर बच्चा प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, प्रैक्टिसिंग करो मतलब खुद की फर्म खोल रहे हो, फर्म मतलब अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलो, तो इसके भी फायदे और नुकसान। फायदा क्या है? बच्चा स्पेशलाइज हो जाते हो, कंपनी में तो सारे काम करने स्पेशलाइज नहीं होते। फायदा क्या है? बच्चा एरिया फिक्स नहीं होता, आपकी मर्जी है बच्चा, जो करना है वो आप कर सकते हो। जॉब में तो भैया जो डायरेक्टर है वो करना पड़ रहा है। इनकम क्या है बच्चा? इनकम क्या है बच्चा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रेवेन्यू ऑफ दी फर्म। फर्म जितना कमाएगा वो सारा पैसा किसका है? आपका। कंपनी जितना पैसा कमाएगी वो सारा पैसा हमारा है क्या? सीएस जॉब वाले का? बिल्कुल नहीं। नुकसान भी है फर्म खोलने का। क्या है बच्चा? पूरा रिस्क आपका। जॉब वाले का कोई रिस्क है क्या? चाहे कुछ भी हो, कोविड हो, कुछ भी हो, पैसा तो देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ रही थी कंपनी को। लेकिन कंपनी का तो भैया अच्छा खासा रिस्क था, कमा ही नहीं रहे थे वो, ठीक है। लॉ क्या है बच्चा? स्ट्रिक्ट नहीं है। इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप तो हुआ नहीं है, तो हमारे लॉ भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं, धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। अपनी फर्म खोलने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स स्किल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे है कि हम लोगों से ज्यादा डील नहीं कर सकते, तो अपनी फर्म मत खोलना बिल्कुल भी, ठीक है। हम कस्टमर्स के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं बना सकते, मत खोलना अपनी फर्म। क्योंकि एक फर्म, एक धंधा चलाने वाला अगर एक इंसान है तो उसे रिलेशनशिप भी अच्छे करने, मार्केटिंग भी आना चाहिए, मैनेजमेंट भी आना चाहिए। लेकिन जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो बस आपको अपना काम आना चाहिए, उसके अलावा आपको कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिसिंग खोली तो सब आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कंपनी बड़ी है तो बस एक सीएस से काम नहीं चलता, जॉब में बहुत सारे सीएस आ जाते हैं, सब सब सब। हाँ, होता क्या, टीम होती है। जैसे मैंने रिलायंस कंपनी का एग्जांपल दिया था, उसमें सुधाकर सीएस है, सुधाकर सीएस है, तो वो एक सीएस है जिसकी पोजीशन क्या है, केएमपी की। उनके अंदर में मैंने आपको बताया था 60 सीएस है, पूरी टीम है रिलायंस कंपनी को चलाने वाली, 60 सीएस है। और उनके भी अंदर कितने बच्चा, 25 क्या बच्चा, ट्रेनी है। जैसे आप सीएस कंप्लीट करोगे तो आप सीएस तब तक नहीं बन पाओगे जब तक आप ट्रेनिंग ना करो, ठीक है। तो टोटल उस रिलायंस में कितने सीएस हो गए? अप्रोक्स 85, मतलब 80 90 80 90 सीएस है ना, ये तो चलो ट्रेनी है, ठीक है। लेकिन कह रहे 60 60 सीएस चला रहे हैं एक ही कंपनी को, तो काम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ सीएस भी ज्यादा, काम कम होगा तो एक सीएस से भी काम चल जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी तो एक सीएस से भी काम चल जाता है क्योंकि छोटी होती है, ठीक, क्लियर है। चलिए, इंडिया में सीएस 63,000 ओ 65, मतलब 63 65 अप्रोक्स सही। कंपनी कितनी है? 2 लाख। तो सोचो ना कितनी रिक्वायरमेंट है, और तुम्हें लगता है कंपनी बनना रुक जाएगी? एक में 60 70 है, वही तो मैं कह रही हूँ, एक में 60 70 है, बाकी सीएस रख ही नहीं रहे, उन पे पेनल्टी लगती है क्योंकि कंपनी को पता ही नहीं है, डायरेक्टर को पता ही नहीं है लॉ क्या है, कैसे फॉलो करना है। लेकिन यस, अवेयरनेस अब बढ़ रही है। मैं ये कह रही हूँ, तुम लोग किसी आंटी अंकल से पूछो, उनको मालूम है सीएस कौन है? उनको पता है क्या? कोई धंधे वाले से पूछो, वो अपना बिजनेस खोल लेगा, अपनी कंपनी बना लेगा, उसको मालूम है सीएस? जिसने थोड़ा ज्यादा कर लिया उसे, यहाँ नहीं, जबलपुर मेट्रो सिटीज में अगर बोलोगे ना सीएस करो तो वो बहुत प्राउड की नजर से देखते हैं कि बच्चा सीएस कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है। जिसको सीएस की कीमत मालूम है ना, वो उस नजर से देखते हैं, जिसको नहीं मालूम उस नजर से नहीं देखते। पर एक्चुअल में जबलपुर में नहीं मालूम है, एक्चुअली में नहीं मालूम, बस यही अवेयरनेस बढ़ानी, ठीक है। चल, अब बच्चा ये पूरा चैप्टर सीएस प्रैक्टिसिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सीएस प्रैक्टिसिंग। अब इसके बाद हम सीएस प्रैक्टिसिंग देखेंगे, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग, जो कि खुद का अपना फर्म खोलता है, ठीक। चलिए, सीएस की अगर बात करो तो आप कह रहे हो कि दीदी मुझे सिंगल काम करना है, मुझे अपनी फर्म खोलनी है, अपनी फर्म। तीन फर्म में तो बच्चा दो होते हैं, इन्होंने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आप सीएस अपना फर्म चला सकते हो, प्रैक्टिसिंग कर सकते हो। तो सीएस क्या कर सकता है? इंडिविजुअल काम कर सकता है। आयुष ने कहा दीदी मुझे अकेला करना है, मुझे पार्टनरशिप में नहीं करना, बहुत झगड़े होते। तो आयुष क्या कर रहा है बच्चा? इंडिविजुअल सीएस का काम कर रहा है, कर सकता है, हाँ, प्रैक्टिसिंग कर, जॉब की बात नहीं होती, प्रैक्टिसिंग। आयुष कह रहे हैं कि नहीं दीदी मुझे पार्टनरशिप फर्म खोलनी है सीएस की, खोल सकता है, लेकिन इसका पार्टनर कौन हो चाहिए? प्रैक्टिसिंग। तुम भी प्रैक्टिसिंग, अनुज भी बोलता है कि मैं भी प्रैक्टिसिंग हूँ, चलो दोनों मिलकर खोलते हैं। तो दोनों ने अपनी क्या कर ली? पार्टनरशिप फर्म। आप पार्टनरशिप क्या कर सकते हो? अदर रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल के साथ भी खोल सकते हो। आप कह रहे हो कि दीदी मैं तो सीएस हूँ, प्रैक्टिसिंग मेरा दोस्त है सीए, मेरा दोस्त है सीए, तो उसको बोल तू भी प्रैक्टिसिंग ले ले।
वो भी प्रैक्टिसिंग, तुम भी प्रैक्टिसिंग, लेकिन वो सीएस, तुम सीएस हो, वो क्या बच्चा सीए, क्या आप अपना फॉर्म खोल सकते हो? हाँ, किस किस के साथ खोल सकते हो? सीए वाले दोस्त के साथ, सीएमए के साथ, सीएमए कौन होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके साथ भी पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हो, एडवोकेट के साथ भी, जरूरी नहीं सामने वाला सीएस होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एक्चुअरीज, ये सारे पूरे बड़े लेवल में डेटा एनालिसिस होते हैं, फाइनेंस का ही रहता है, और प्रोफेशनल जो रिकॉग्नाइज, ये सब जहां ये लिखा था ना, प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ जिसको बोल दे, प्रिस्क्राइब कर दे, ठीक है। तो टोटल कितने, सीए, सीएमए, एडवोकेट, एक्चुअरी, पांचवा क्या है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी काउंसिल मेंबर्स है वो जिसको बोल दे उनके साथ भी हम फॉर्म खोल सकते, इज दैट क्लियर, इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, ठीक। चलिए बढ़ेंगे, बच्चा सीएस क्या क्या काम करता है, सीएस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम करता है, बच्चा इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को बनाना, वाइंड अप मतलब कंपनी को बंद करना, इन्होंने कहा शेयर से भी हम डील करते हैं, शेयर ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब होता है सेल करना, शेयर जब बेच दिया जाता है, आप जानते हो बच्चा आए दिन मार्केट में इतने अप डाउन होते हैं, कोई खरीद रहा है बेच रहा है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट भी सीएस देखता है, मर्जर करवाता है, मर्जर मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कंबाइंड हो रही है, उसका पूरा मर्जर करने में पूरे लॉस लगते हैं, वो सब हम करवाते हैं, शेयर इशू जितने भी आईपीओ एफपीओ हैं, इसके पीछे कौन है बच्चा, सीएस है, तो ये करवाता है, और क्या करवाता है, सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, बच्चा ये सारी चीजें, ये सारी चीजें सेम है, बस मैंने है ना अच्छे प्रेजेंटेशन वाइज आपको बस दिखाई, क्लियर है बच्चा। चलिए, सीएस प्रैक्टिसिंग ऑथराइज्ड है बच्चा गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज, ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज क्या होते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखे, इन लिस्ट को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले क्या बच्चा, रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी का पहले मतलब समझो, रूल्स रेगुलेशन बनाने वाली बॉडी, रेगुलेटर कौन होता है, रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला आदमी, किसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, उसके सारे के सारे बैंक, कमर्शियल बैंक के लिए, सेबी किसके लिए बनाता है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ठीक है, एनसीएलटी नॉर्मली जो भी झगड़ा होता है कहां जाते हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इन्होंने कहा वहां जाने की जरूरत नहीं, कंपनी के जितने भी मैटर्स होंगे, कंपनी के जितने भी मैटर्स होंगे एनसीएलटी में जाएंगे, एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, यहां पर हम लॉयर की तरह कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सीएस का काम क्या है, कंपनी बिहाफ में सारे काम करना, ये जो ट्राइब्यूनल है ना, ये कोर्ट का सब्सिट्यूट है, हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास तो फिर भी जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहां जाते हैं, एनसीएलटी, ठीक है, एनसीएलटी से खुश नहीं हुए तो एनसीएलएटी, ये एटी क्या है, एटी क्या है, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट, इनसे भी खुश हुए तो सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब जगहें नहीं जाते, पहले जाया करते थे, लॉ बदल गया, इन्होंने कहा भैया हाई कोर्ट जाने में इतनी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, कंपनी धरी की धरी रह जाती है, एक साल दो साल तीन साल, कितने केसेस में तो टाइम लगता है, डिले होता है, तो एनसीएलटी फिर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर यस बच्चा सीएस जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, एनसीएलटी एटी तक ही बात खत्म हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम ही केसेस आते हैं, और फिर वहां पर बच्चा एडवोकेट ही आता है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते, ठीक है। चलिए, फिर ये क्या लिखा है, ये सेबी तो सुना है, आरबीआई तो सुना है, लेकिन ये हमने सुना नहीं है, लेकिन अब क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हो चुके हैं, ये सब भी सुनोगे, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी, उसकी ये अथॉरिटी है, उसकी ये अथॉरिटी है, फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब भी एड देखोगे इंश्योरेंस कंपनी के बाद में देखना, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, रेरा, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जबलपुर में राजू बिल्डर, दत्त बिल्डर, ये सब देखते हो, इनकी एक अथॉरिटी बैठी है, जिनको भी रियल स्टेट का काम करना है, इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, ये रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उनके लिए फॉलो करना पड़ेगा उनको, ठीक। फिर क्या लिखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज को इनकी भी बातें फॉलो करनी पड़ती है, कंपनी क्योंकि लिस्ट होते हैं, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हम अपनी कंपनी को, आईटीएस कंपनी को लिस्ट करेंगे, तो ये भी हमें कुछ कुछ बोलेंगे जो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ये मैंने आपको एक एक वर्ड समझाया जो इस पैराग्राफ में दे रखा है ना, ये देखो एक एक वर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए, अब बच्चा एक हेडिंग मिलेगी आपको, सीएस क्या क्या सर्विसेज देता है, सीएस क्या क्या सर्विसेज देता है, सीएस सर्विसेज देता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस का, सीएस सर्विस देता है कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज, पहले इन दोनों को समझेंगे, गवर्नेंस सर्विस दे रखा है, बार बार आप देख रहे हो दीदी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ रहा है, अभी देखा था कंपनी हमारा इंस्टीट्यूट का लॉन्ग टर्म विजन क्या था, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, क्या गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, लेकिन ओनली कंपनी नहीं आता है, कंपनी के अलावा एलएलपी भी आता है, कंपनी एलएलपी, अभी एलएलपी क्या है दीदी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताऊंगे, अभी समझने की जरूरत नहीं,
बच्चा कॉर्पोरेट बोलता है, कॉर्पोरेट बोलता मतलब कंपनी पे, और इसके अलावा और भी जो चीजें आती हैं, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब सिस्टम, या फिर क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर, या फिर क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर। गुड कॉर्पोरेट, अच्छा चाहते हैं हम अपनी कंपनी का सिस्टम, ऐसा सिस्टम बनाए ताकि क्या रहे बच्चा ट्रांसपेरेंसी, हम अपनी कंपनी का इतना अच्छा सिस्टम बनाना चाहते हैं ताकि उस कंपनी में क्या रहेगी बच्चा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल होते हैं, है ना, कि हम जवाबदेह होंगे, हम जवाब देंगे, और क्या लिखे बच्चा फेयरनेस। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा मतलब क्या बच्चा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस। सीएस क्या करता है, सीएस एडवाइस करता है गुड गवर्नेंस हो सके बच्चा, गुड गवर्नेंस हो सके जो भी वो काम कर रहा है बच्चा, जितने भी हम लॉ भी पढ़ कर आए उन सबको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अब सेक्रेटेरियल काम क्या है, रिपीट है बच्चा, रिपीट है, क्या लिखा है, कंपनी को बनाने का, इनकॉर्पोरेट करने का, फाइल करने का डॉक्यूमेंट, जो भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अभी इतने सारे अथॉरिटीज पढ़ी, आरबीआई पढ़ा, सभी पढ़ा, उन सबको हम डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, ठीक है। मेंटेन करना, जो भी सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स है, जो भी स्टैटरी, स्टैटरी जहां कहीं भी आएगा लॉ, स्टैटरी जहां कहीं भी आएगा लॉ, लॉ ने जो जो बुक्स बोल रखी है, लॉ ने जो जो रजिस्टर बनाने को बोल रखा है, सीएस का काम है वो सब करना, ठीक। चलिए बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग क्या करवाना, अरेंज करवाना, और फिर क्या बनाना, मेरे मतलब उसका रिकॉर्ड तैयार करना कि भैया मीटिंग में क्या डिस्कशन है, बच्चा ये तक रिकॉर्ड किया जाता है किसने हाँ बोला किसने ना बोला, आयुष ने ना बोला, अनुज ने हाँ बोला, ये दो नाम याद है इसलिए किसी का एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। डरना नहीं कि दीदी यार इन्हीं दोनों के नाम ले गए, मुझे नाम इनके याद हो गए, बाकी के भी नहीं हुए, धीरे धीरे होंगे, ठीक। चलिए तो बच्चा मेज तैयार करना, कितने लोग हाँ बोल रहे हैं कितने लोग ना बोल रहे हैं ये पूरा रिकॉर्ड होता है, और ये हमें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एक ऑफिस है दैट वॉज आरओसी, सेंड करना होता है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ होता है, होता है क्या है बच्चा, बहुत फ्रॉड होता है, सीएस भी कम नहीं होता है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है मीटिंग करवा तो नहीं पाए हैं, अब क्या करेंगे, ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया जाता है, ऑन रिकॉर्ड क्या, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग करनी थी मुझे कल, मैं नहीं कर पाई, अब आरओसी को भेजना है, तो मैं क्या करूंगी, कल मीटिंग हुई थी ऐसा बोल दूंगी, है ना, एक पेपर लूंगी बना दूंगी उसमें सारे काम। तो इसीलिए वो कहते हैं पूरी डिटेलिंग लिखो, कितने लोग आए थे, प्रेजेंट थे, कितने एबसेंट थे, जो लोग एबसेंट थे क्या उन्होंने पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया था, किसने फेवर किया, किसने अगेंस्ट किया, मिनट्स में ये सारी बातें लिखी रहती है, क्या क्या आर्गुमेंट्स है, ताकि वो डिटेलिंग कर सके, ठीक है। चलिए ऑल वर्क जो भी शेयर ट्रांसफर उससे रिलेटेड होता है, ये क्या होता है बच्चा, सेक्रेटरी। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे चार ऑप्शन, कौन सा सेक्रेटरियल सर्विस है, कौन सा सेक्रेटरियल सर्विस है, तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। सेक्रेटेरियल सर्विस मतलब सीएस का जो सेक्रेटेरियल सर्विसेज है उसमें क्या क्या आता है बच्चा, कंपनी को बनाने का, कंपनी की पूरी फाइलिंग करने का, कंपनी के पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, मीटिंग करना, उनके मिनट्स बनाना, और क्या बच्चा शेयर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन करना, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों के लिए, ठीक। चलिए सेक्शन 203 पढ़ा था अभी, 203 क्या था, हर कंपनी को केएमपी अपॉइंट करना, ये पढ़ा था 203 में, केएमपी अपॉइंट करना था ना, जिसमें हमने भूल गए रूल पढ़ा था 8, फिर रूल 8A, रूल 8A क्या बोल रहा था, सॉरी दो बातें बोल रहा था, एवरी लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, 10A क्या बोल रहा था, प्राइवेट कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, इनको किसे अपॉइंट करना है, केएमपी को, इसे किसे अपॉइंट करना है, था सेक्शन 203 याद रखना है, 203 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। अभी 204 बोल रहा है सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑडिट बस सीए नहीं करता, सीएस भी करता है, सीए जो ऑडिट करता है उसे हम बोलते हैं अकाउंट्स का, हम जो करते हैं हम किसका करते हैं, लॉ का, हम लॉ फॉलो करवाते हैं तो चेक भी तो करेंगे लॉ फॉलो है कि नहीं। कंपनी के अंदर जो सीएस है, एक है ना जॉब करने वाले, एक फर्म जॉब करने वाला क्या करेगा, कंपनी का पूरा कंप्लायंस करेगा और डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा मैंने फॉलो किया है। बाहर का सीएस आके क्या करेगा, चेक, बाहर का सीएस मतलब प्रैक्टिसिंग वाला, बाहर का सीएस मतलब प्रैक्टिसिंग वाला, जो जॉब वाला है वो तो दिन भर कंपनी में, पूरे साल भर कंपनी में, जो प्रैक्टिसिंग वाला है वो साल भर नहीं है, वो आएगा एक दिन आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, इंक्वायरी करेगा फॉलो किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे जो ऑडिट करता है वो कौन करता है, प्रैक्टिसिंग सीएस, कौन करता है, प्रैक्टिसिंग सीएस। अगर कोई बोलेगा ना मैं पीसीएस हूँ तो समझ जाना वो कौन सा सेक्रेटरी है, प्रैक्टिसिंग वाला, मैं सीएस हूँ किसी कंपनी में मतलब जॉब वाला, ठीक। तो सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करेगा, हमेशा प्रैक्टिसिंग सीएस, जॉब वाला क्या करेगा पूरे साल भर कंप्लाई करवाएगा, क्लियर है। चलिए तो हर बड़ी कंपनी में प्रैक्टिसिंग सीएस, जॉब वाला सीएस भी चाहिए और प्रैक्टिसिंग वाला भी चाहिए, हर बड़ी कंपनी में क्या चाहिए बच्चा, जॉब वाला भी और
प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग वाले को क्या करना है, सेक्रेटरियल ऑडिट। चलिए किसको करना है, हर लिस्टेड कंपनी को प्रैक्टिसिंग सीएस से ऑडिट करवाना है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी करवाना है कि लॉ कंप्लाई हुआ कि नहीं। पब्लिक कंपनी जिसका पेटर कैपिटल कितना है 10 करोड़ या सॉरी 50 करोड़ या उससे ज्यादा, सेक्रेटरियल ऑडिट कंपल्सरी करवाया, नहीं करवाया तो पेनल्टी, अच्छी बड़ी बड़ी पेनल्टी लगती है बच्चा, कितनी लगती है बताऊंगी ठीक है। चलिए पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर, अब ये पेडअप मतलब कितना पैसा पे है, बचपन में पढ़ते थे पेडअप कॉल्डअप ऑथराइज पढ़ते थे, तो पेडअप मतलब कितना पैसा दे चुके हैं, पे कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है, आपने पे किए 8 रुपए, आपने पे किए 8 रुपए, तो 8 रुपए आए ना, तो ये कह रहे कितने आ गए हैं 50 करोड़ आ गए। जिस कंपनी में 50 करोड़ आ गए हैं उनको क्या करना है बच्चा, ऑडिट करवाना है, किससे, प्रैक्टिसिंग सीएस से। ऑडिट का पूरा नाम क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट। काम क्या है, लॉ फॉलो किया है कि नहीं इसे चेक करना। एवरी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी भी, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन, लोन तो समझते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ। मैंने कल रिलायंस कंपनी दिखाई थी आपको, लंबी चौड़ी लिस्ट, इतना लोन लिया था, इन्होंने कहा उस लोन को गिनना, काउंट करना जो लोन बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ है। अगर बचा हुआ लोन कितना है बच्चा 100 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको प्रैक्टिस सीए से सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ रही, पक्का? चलिए कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग करेगा, बच्चा क्या तैयार करेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, हमारी एक रिपोर्ट होती है ठीक है। सीए भी क्या करता है, ऑडिट करता है, उनकी भी एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, हमारी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, नाम पूरा क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट लिखा है, मतलब किसकी रिपोर्ट होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, समझना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी एक रिपोर्ट होती है, प्रैक्टिसिंग सीएस भी एक रिपोर्ट तैयार करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता है कि हमारे प्रैक्टिसिंग सीएस ने क्या रिमार्क किया, ऑडिट कर रहे हैं ना बच्चा, ऑडिट कर रहे हैं इसका मतलब क्या, ऑडिट कर रहे हैं इसका मतलब ये कि हमने रिमार्क लिखा कंपनी ने ये लॉ फॉलो नहीं किया, ये किया, ये नहीं किया, ये किया, ऐसा लिखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे कि भैया सीएस एक प्रैक्टिसिंग ये नाम आया था, नाम बताएगा, ये आया था हमारी कंपनी में और उसने हमें ये रिमार्क दिया कि हमने ये चीजें फॉलो नहीं करी, और मेंबर्स को ही बताया जाएगा, न्यू मेंबर को बताया जाएगा, ओनर कौन है, मेंबर, भैया पैसे उन्होंने लगाए तो पैसे वापस ले ले ठीक है, तो इसलिए मेंबर को सारी खबरें देते रहना पड़ता है ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें बच्चा अगर फॉलो नहीं किया पेनल्टी लग जाएगी, किस पे पेनल्टी लगेगी, कंपनी, कंपनी ने क्या नहीं करवाएगा, ऑडिट नहीं करवाया, ऑफिसर भी गया काम से, और क्या लिखा है, प्रैक्टिसिंग सीएस भी जाएगा, कब जाएगा, जब वो उसकी गलती होगी, गलती क्या होगी, आया था ऑडिट करने, ऑफिस में समोसा खाया और चला गया, क्योंकि पैसे दे दिए थे ना उसे कि भैया मत देख लो, हमने लॉ फॉलो नहीं करे, हमने तो जॉब वाला सीएस भी नहीं रखा है, प्लीज मत देख ठीक है, ना जॉब वाला सीएस रखा ना लॉ कंप्लाइंट किया, प्रैक्टिसिंग प्लीज तो समोसा खा, हम तुझे अच्छी बड़ी रकम दे रहे, जा, उसने ऐसे ही फर्जी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बना दी, गया काम से, कितनी पेनल्टी लगेगी, 1,00,000 से 5,00,000 रेंज दे दिया है। हाँ बच्चा बोल, एक्चुअली में यही होता है, लेकिन ये है कंपनी लॉ, ये क्या है कंपनीज एक्ट, हमारा खुद का एक एक्ट है, हमारे खुद के एक्ट ने बोला है भैया कंपनीज एक्ट की पेनल्टी भी लगेगी, प्लस हमारा कंपनी सेक्रेटरी एक्ट आपकी मेंबरशिप तक छीन सकता है, तो एक बार पैसा ले लो और मेंबरशिप दान करो इंस्टीट्यूट को, मेंबरशिप दान हो गई तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, फिर से सीएस करो, सीएसईटी पास करो, बुजुर्ग हो चुका है बेचारा वो सीएस है ना, उसको क्या बोला, शुरुआत से शुरू करो, फिर से सीएस का काम करें, सीएसईटी पास करो, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, फिर ट्रेनिंग भी करो, अब वो करेगा क्या, गया पूरा सीएस, सीएस पे बात आ सकती है, आपने जो इतने साल भर कमाए हैं, इतनी मेहनत से मिलता है, दिखेगा आपको है ना, मेहनत समझ में आएगी, अभी तो एक ही चैप्टर पढ़ाया है ठीक है। चलो क्लियर है, जो भी चीजें बच्चे इतने जो ये बड़े बड़े पैराग्राफ है ना, इसको बस मैंने इजी प्रेजेंटेशन में बताया, प्लीज याद रखना एग्जाम में ये सेक्शन नंबर पूछे जाते हैं, अभी एक सेक्शन 204, सेक्शन 204 और क्या लिखे सेक्शन 134, इसमें क्या बोल रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट के बारे में बोल रखा है कि दोनों को एनेक्स करना, जो जो बीच बीच में सेक्शन है ना इनको भी एक बार रीड करना ठीक। चलिए अब बच्चा इन्होंने कहा सीएस का काम है एडवाइस देने का, ये पूरे लॉस की लिस्ट है, ये पूरे के पूरे क्या है बच्चा, लॉस की लिस्ट, ये सारे लॉस आपके सिलेबस में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेबी एक्ट, इंसॉल्वेंसी, पेमा, तो इनको इतनी डिटेल में मैं नहीं बता रही हूं, लेकिन ये सारे लॉ की लिस्ट है, इन सारी लिस्ट में सीएस क्या करता है बच्चा, एडवाइस, क्या करता है बच्चा, एडवाइस देता है, लेकिन एडवाइस तब देगा जब वो पढ़ेगा, पढ़ेगा कब, एग्जीक्यूटिव में, यहाँ भी इतना ज्यादा नहीं डिटेल में पढ़ते, यहाँ को यहाँ पे बस आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है सीएस का क्या क्या काम है, तो सीएस ये सारे लॉ पढ़ेगा उसमें एडवाइस देगा, फिर लिस्ट मिलेगी बच्चा रिप्रेजेंट करेगा, ये सारी जगहें हैं, ये सारी जगहें हैं जहां पे वो अपने क्लाइंट के बिहाफ में जाकर लॉयर की तरह क्या करता है बच्चा, केस लड़ता है,
कहाँ केस लड़ता है अभी बताया, देखो एनसीएलटी लिखा है अभी मैंने आपको बताया, फिर क्या लिखा है ये देखो, जो जो अभी आपने सुना एनसीएलटी ठीक है, कंज्यूमर फोरम भी सुना है। तो सीएस लॉयर की तरह इन सारी जगह में क्या करता है बच्चा, केसेस हैंडल करता है, तो इनको भी डिटेल में नहीं बताया। कौन सा वाला ये, चलो इसको बता देती हूँ, क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी मतलब होता है सेमी, क्वासी मतलब होता है सेमी जुडिशियल बॉडी। एक्चुअली जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं इन सारे ट्रिब्यूनल्स में जजेस होते हैं, लेकिन ये वो वाले जजेस होते हैं जो वहां कोर्ट में बैठते हैं। तो जज जैसे लोग होते हैं, तो ट्रिब्यूनल्स जितने भी बनाए गए हैं वो कोर्ट तो है नहीं, कोर्ट का क्या बचा, एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है, ऑल्टरनेट है, ताकि हमारी प्रोसीजर थोड़ी सी फास्ट हो सके। तो उन सारे ट्रिब्यूनल्स में बैठने वाली जो भी बॉडी होती है उनको क्या बोलते हैं, क्वासी। क्वासी मतलब सेमी जुडिशियल, पूरी जुडिशियल थोड़ी ना है, सेमी जुडिशियल बॉडीज इनको एक साथ बस बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी ट्रिब्यूनल उन सब में हम एक्चुअल में अपने क्लाइंट बिहाफ में केस की तरह लड़ते हैं। यस बच्चा, हम कॉर्पोरेट लॉयर है तो ऐसे केस भी लड़ेंगे। ठीक, फिर बच्चा सीएस क्या क्या सर्विसेज देता है, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन सर्विस, जीएसटी रिटर्न विटर्न, ये सारे काम हम करते हैं, इंटरनेशनल मैनेजमेंट सर्विस, इनको डिटेल में अब मैं नहीं पढ़ा। क्यों बच्चा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है। क्लियर बच्चा,